ठीक है, चलिए बच्चे आएंगे एक बार लाइव सभी। अगर मेरी वॉइस चेक करेंगे, वॉइस क्लियर आ रही है एक बार चेक करेंगे, बेटा बताएंगे बच्चों एक बार चेक करके कि वॉइस क्लियर है। चलो बच्चों ठीक है, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवीन आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों जैसा कि पता था आपको कि आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर है, आज आपका फिटर का फर्स्ट ईयर का सेशनल होना था। ठीक है, तो बच्चों सेशनल ऑफलाइन एग्जाम लिया जा चुका है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑनलाइन कराएंगे। तो बच्चे सभी अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे किस बच्चे ने कितना किया है। ठीक है, चलिएगा बच्चे, ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नवीन आईटीआई यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बच्चे नवीन आईटीआई हरिद्वार सेशनल एग्जाम फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, बेकार कागज को अलग करने के लिए किस रंग के डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थे आपके रेड ब्लू ब्लैक और ग्रीन। क्या ऑप्शन थे आपके? रेड ब्लू ब्लैक और ग्रीन। तो इसमें क्या होगा, जो आपका है ब्लू इज द राइट आंसर। ठीक है, रेड जो बच्चों रेड जो होता है, ये ब्लू होता है आपका पेपर वेस्ट के लिए, पेपर वेस्ट। ठीक है, ब्लैक होता है हमारा फूड वेस्ट, फूड वेस्ट। ग्रीन होता है हमारा ग्लास वेस्ट। ठीक है, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, ग्लास वेस्ट, और जो रेड जो होता है हमारा, रेड किसके लिए होता है? रेड होता है हमारा आपका जो आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए, मेटल वेस्ट। ठीक है, मेटल वेस्ट या सॉलिड वेस्ट, क्लियर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में थे ऑप्शन ए फोम एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन बी हेलन एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, तो एबीसीडी में से जो इसका सही आंसर था वो था आपका फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि क्लास लिक्विड वाली है, क्लास बी फायर है। ठीक है, क्लास बी फायर यानी कि लिक्विड जो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उसके लिए। एलएन एक्सटिंग्यूशर क्लास डी के लिए यूज किया जाता है, क्लास डी के लिए। ठीक है, क्लास डी के लिए यूज किया जाता है एलएन एक्सटिंग्यूशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर आपका लिया जाता है क्लास सी, क्लास सी की फायर के लिए, यानी कि गैस गैस से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डी क्लास में भी यूज कर सकते हैं बेटा, और आप सी क्लास में भी इसको यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे क्या कह रहा है, जी क्वेश्चन नंबर थ्री, टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द राउंड जॉब विच डिवाइस इज यूज्ड, गोल जॉब का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए था सेंटर हेड ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन बी था बेल पंच, ऑप्शन सी था जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इन तीनों से ही हम बेल पंच का सॉरी किसी जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट का ये आपका सेंटर हेड,
ठीक है, ये होता है आपका सेंटर हेड कॉम्बिनेशन सेट का। यहां आप राउंड जॉब रखेंगे, ये आपका सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, बेल पंच, ये होता है बेल पंच। ठीक है, सेंटर में ऐसे एक पॉइंट होता है इसका। ठीक है, ये पॉइंट सीधा सेंटर निकालने के लिए होता है, सीधा ठोकते हैं। ठीक है, आता है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर ये वाला था जिसकी एक पॉइंट लगा होता है यहां पे। ठीक है, ये मुड़ा होता है 90 डिग्री में मुड़ा होता है। कितने एमएम के रेडियस पे? 6 से 12 एमएम के रेडियस पे मुड़ा होता है। क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया था। आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, इस वॉइस का क्या नाम है? क्या नाम है बेटा इस वॉइस का? ये वॉइस का क्या नाम है? आपको साफ दिख रहा होगा, इसका नाम है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस क्या? क्योंकि इसके जबड़े ऐसे खुलते हैं पाइप को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके जबड़े खुलते हैं आपके वर्टिकल में। ठीक, पाइप को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइप वॉइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का था, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज का क्या यूज है, फिलर गेज का क्या यूज है, फिलर गेज का क्या यूज है? ऑप्शन नंबर ए, टू चेक द विड्थ, ऑप्शन नंबर बी चेक द हाइट, ऑप्शन नंबर सी चेक द लेंथ, ऑप्शन नंबर डी चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। यानी कि कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए था उसकी चौड़ाई चेक करने के लिए, उसकी हाइट चेक करने के लिए, उसकी लेंथ चेक करने के लिए, या दो पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दो पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिलर गेज का यूज करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें कह रहा है, व्हाट विच इज यूज टू फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबाउट 10 डिग्री, किस का उपयोग 10 डिग्री से ऊपर के संकरे खांचे और कोणों को भरने के लिए किया जाता है? क्या वो स्क्वायर फाइल का यूज किया जाता है, हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है, ट्रेंगुलर फाइल का यूज किया जाता है, नाइफ एज फाइल का यूज किया जाता है? तो बताएंगे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल का यूज किया जाता है 10 डिग्री से ऊपर के और 30 डिग्री से छोटे कोनों के लिए। ठीक है, 10 डिग्री से ऊपर के और 30 डिग्री से छोटे कोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं। ट्रेंगुलर फाइल का यूज वहां करते हैं जहां 60 डिग्री से ऊपर के कोण में बनाने हो, 60 डिग्री से ऊपर के कोण जहां बनाने होते हैं वहां होता है ट्रेंगुलर फाइल का यूज। हाफ राउंड फाइल यानी कि अवतल उत्तल सतह बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। आता है हमारा स्क्वायर फाइल जहां पे ये ग्रूव बनाने होते हैं हमें। ठीक है, ग्रूव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज द यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, किसका उपयोग मशीन की धुरी से ड्रिल सॉकेट को निकालने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी स्लीव, ऑप्शन नंबर सी पंच, ऑप्शन नंबर डी हैमर। तो बताएंगे बच्चों, एबीसीडी में से जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा इसका ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट। देखो बेटो, ऐसे होती है ये इस तरह के एक पीस होता है ये। ठीक है, टेपर में होता है ये। ठीक है, क्या करते हैं, इसको लेते हैं हाथ में, मशीन स्पिंडल में ऐसे मारते हैं। ठीक है, वो ड्रिल बाहर आ जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं स्लीव लगाने के लिए। ठीक है, चक को इसमें स्लीव में लगाते हैं और इसको सीधा स्पिंडल में फिट करते हैं। ठीक, पंच का आपको पता ही है, मार्किंग के लिए पंच यूज किया जाता है, विटनेस मार्क्स के लिए पंच यूज किया जाता है, हैमर स्ट्राइकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चोट मारने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हमें क्या कह रहा है? विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मेटीरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीज, कॉर्नर ऑफ द कीज। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि चाबियों के कोनों पर सामग्री को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है?
फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल। तो ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं इसको चीजल को, ठीक है। फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल कहां होती है? सरिया काटने के लिए, शीट काटने के लिए, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल, इसका आंसर सही होगा डायमंड पॉइंट चीजल। कॉर्नर्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। इस तरीके का पॉइंट होता है इसका, ये पॉइंट होता है इसका डायमंड पॉइंट चीजल, बिल्कुल शार्प नोक होती है, इसलिए कॉर्नर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल साइड में कटिंग करती है, यानी कि कीवे ग्रूव बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जहां पे ये बनाना होता है ना, हमें ये स्लॉट्स बनाने होते हैं, जहां पे स्लॉट्स बनाने होते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्रूव बनाने होते हैं, वहां हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस कट चीजल का, ठीक। आती है हमारी हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का आपको पता ही है क्या होता है? राउंड में कटिंग करने के लिए, क्लियर। चलो हाफ राउंड नोज चीजल, सॉरी हाफ राउंड नोज चीजल है, ऑयल ग्रूव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑयल ग्रूव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। विच पिच ऑफ द ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास? ठोस पीतल को काटने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? क्या 8.8 पिच का एमएम की पिच का यूज करते हैं, 1 एमएम की पिच का यूज करते हैं, 1.4 एमएम की यूज करते हैं, या 1.8 एमएम की यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जनरल सी इंफॉर्मेशन है। अगर आपका सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो कोर्स पिच ब्लेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोर्स पिच ब्लेड का यूज करेंगे। अगर आपका हार्ड मटेरियल है तो आपका फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे। तो ब्रास, यहां पे ब्रास जो है, ये ठोस पीतल की बात कर रहा है, सॉलिड ब्रास यानी कि हमारा सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल के किसका यूज करते हैं? कोर्स पिच का। और कोर्स पिच की ब्लेड की पिच कितनी होती है? 1.8 एमएम, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 1.8 एमएम। बेटे कोई भी पॉइंट हो और उसके पीछे जीरो हो, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। हाँ, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बच्चों के लिए सबसे नया क्वेश्चन था। ये पूछ रहा था आपका कि व्हाट इज द मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, धागे का लघु व्यास कितना होता है? क्या ऑप्शन नंबर है माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2 × पिच, या माइनर डाया बराबर मेजर डाया प्लस 2 × पिच, या माइनर डाया बराबर मेजर डाया प्लस 2 × डेप्थ, या माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2 × डेप्थ, ठीक है। वो पूछ रहा है कि इसका व्यास कितना होगा, माइनर डायमीटर। तो देखो बेटा, ये आपकी कोई थ्रेड है, ठीक है, ये आपकी कोई थ्रेड है, ये होती है हमारी, ये देखो, ये अंदर जो चूड़ियों के अंदर से जो होता है, ये वाला देखिए, जो थ्रेड के अंदर होता है, ये होता है हमारा माइनर डाया, ठीक है। जो ऊपर वाली थ्रेड में होता है, अपर पार्ट, इसको बोलते हैं हम मेजर डाया। माइनर डाया और मेजर डाया, अब देखना, एक ये हो गया, ये क्या है इसकी गहराई है चूड़ी की, क्या है चूड़ी की गहराई, एक गहराई ये हो गई, ठीक है, एक गहराई ये हो गई। तो माइनर डाया जब निकालेंगे तो क्या होगा, मेजर डाया माइनस एक और दो, कितनी गहराई है, 2 × डेप्थ, 2 गहराई इसकी माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या होगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बातें नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सर्फेस इन द मेटल कटिंग प्रोसेस, धातु को काटने की प्रक्रिया में काम की सतह के खिलाफ उपकरण को रगड़ने से कैसे रोकें, क्या उसका लिप एंगल डिक्रीज कर दें, लिप एंगल डिक्रीज मतलब लिप एंगल को घटा दें, इंक्रीज द रैक एंगल को बढ़ा दें, या इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल, आप उसके क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दें, या ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज द टूल वेज एंगल। बताएंगे बच्चों इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, देखिएगा एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर सुनना। देखो ये हमारे कोई चीजल है, ठीक है, ये हमारी कोई चीजल है, ये है इसका ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये है इसका वेज एंगल, वेज या कटिंग एंगल, ठीक है, या पॉइंट एंगल, ठीक। अभी देखना, ये देखो ये हमारी धातु की सरफेस है, ये हमारी जो है जॉब है उसकी सरफेस है ये वाली, और ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारी टूल की सरफेस है, यहां से ये है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, ठीक है, और जो इससे इस वाली सरफेस से ये वाला एंगल बनता है, ये बनता है रैक एंगल, ठीक है, रैक एंगल। जो बच्चे रेगुलर आते हैं ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता है ये कौन से एंगल होते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाया गया था। देखो अब वो क्या कह रहा है कि धातु को काटने की प्रक्रिया में काम की सतह के खिलाफ उपकरण को रगड़ना है, अगर टूल हमारा रगड़ेगा, देखो ये मेरा टूल है, ये मेरी जॉब की सरफेस है, ये मेरा टूल है, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला क्लियरेंस एंगल, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है क्लियरेंस एंगल, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो रगड़ खाएगा, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो टूल जो है रगड़ खाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा टूल रगड़ खाना बंद कर देगा, क्लियर, तो क्या करेंगे, इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर है। और एक और चीज, एक और सुन लो, एक और चीज सुन लो, एक रिलेशन होता है इसमें, एक रिलेशन होता है, देखो ये क्लियरेंस एंगल है और ये रैक एंगल है ये वाला, अगर मैं क्लियरेंस एंगल को बढ़ाऊंगा ना तो रैक एंगल घटेगा अपने आप, ठीक है, देखो यहां से, यहां से समझो, ये क्लियरेंस एंगल है, ये क्लियरेंस एंगल है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ाऊंगा ना इसको, क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है हमारा, तो रैक एंगल पे क्या फर्क पड़ रहा है, रैक एंगल घटता जा रहा है, ये रिलेशन होता है क्लियरेंस और रैक एंगल में, अगर रैक एंगल को घटाएंगे तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा और क्लियरेंस एंगल को घटाएंगे तो रैक एंगल बढ़ेगा, क्लियर है, ये रिलेशन याद रखना हमेशा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, क्या वो स्लाइडिंग पे बेस्ड है हमारा माइक्रोमीटर, स्लाइडिंग के सिद्धांत पे बेस्ड है, ठीक है, या हमारा स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे बेस्ड है, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे बेस्ड है, वर्म एंड वर्म व्हील के सिद्धांत पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका बच्चों, इसका प्रिंसिपल है आपका स्क्रू एंड नट, क्या है इसका प्रिंसिपल, स्क्रू एंड नट, स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा माइक्रोमीटर, ठीक है, रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन जो हमारा डायल वर्नियर कैलिपर होता है वो होता है रैक एंड पिनियन पे बेस्ड, डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डायल वर्नियर कैलिपर, जो स्लाइडिंग वाला होता है, स्लाइडिंग वाला वो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइड करता है वो मेन बीम पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दो बार शायद प्रिंट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13, कोई बात नहीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द वन ईयर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, वन ईयर हाइट गेज का कौन सा मेन भाग स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट होता है, क्या वो जो होता है बेस होता है बीम होता है या जॉक क्लैंप होता है, बताएंगे बच्चों इसमें, देखिए ये होता है आपका वन ईयर हाइट गेज, ठीक है, ये आपका बेस लगा हुआ है यहां पे, ये मेन स्लाइड है, मेन स्लाइड के ऊपर जो होती है वर्नियर स्लाइड लगी होती है, वर्नियर स्लाइड के साथ जो होता है वो हमारा जॉ क्लैंप लगे होते हैं, और जॉ क्लैंप पे हमारा क्या लगा होता है, जॉ लगा होता है, ऐसे काम करता है ये, ठीक है, तो ये मेन स्लाइड है, मेन स्लाइड का भाग कौन है, ये वाला जो लगा है इसमें, क्या है इसका नाम, जॉ क्लैंप, आंसर इज द डी, आंसर सही, ठीक है, क्वाइट इजिली डन, एकदम से हो गया। क्वेश्चन नंबर
13 का था डी। देखिए अगेन एक क्वेश्चन नंबर आपको 13 ही दिया गया है तो उसका भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, व्हाट व्हाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ, व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिवील्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनी होती है, तो ऑप्शन में क्या, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट कोरोजन इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे, यानी कि संक्षारण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग टूटने से बचाने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ना हो इसलिए, या टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, उसका थर्मल विस्तार ना हो, किस लिए होता है। तो बेटा कास्ट आयरन के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बात बता दूं आपको, जो हाई क्वालिटी कास्ट आयरन होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन जीरो होता है, ठीक है। कास्ट आयरन जो होती है, हाई क्वालिटी कास्ट आयरन जो होती है, ठीक है, फाइन ग्रेन कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं या फिर ग्रे कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं, उसका थर्मल एक्सपेंशन जीरो होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन यानी कि वो गर्मी में फैलेना, क्योंकि आप जानते हो मेटल का, मटेरियल का एक गुण होता है, गर्म होने पे फैलती है। बट क्या होगा अगर हम कास्ट आयरन को करेंगे, ठीक है, कास्ट आयरन क्या होगा, उसका थर्मल एक्सपेंशन जीरो होने के कारण वो गर्मी में फैलेगी नहीं और साइज उसका एक्यूरेट रहेगा। क्लियर है बच्चों, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्टीन नंबर देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है, यानी सटीकता कितनी होती है। सटीकता से मतलब है वो उसकी लीस्ट काउंट पूछ रहा है, सबसे छोटी से छोटी माप वो जितनी ले सकता है वो कितनी होती है, ठीक है, यानी कि वो होती है आपकी 5 मिनट, 5 मिनट आपकी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है। एक और चीज बोलना, अगर वो पूछता है आपसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता कितनी होती है, यानी उसकी बात कर रहा है, लिस्ट काउंट की बात कर रहा है, लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट होती है। अगर वो आपसे पूछे कि एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी भी 5 मिनट होती है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल का मान कितना होता है, वो होता है 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है, एक वर्नियर भाग का मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेसेस। फाइल सतह पर उत्पन्न खरोच को क्या, सॉरी, फाइलिंग सरफेस पर उत्पन्न खरोच का क्या कारण है, क्या वो पिनिंग है, ग्लेजिंग है, फाइल बीटा है या रैपिंग है। बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी में से, एबीसीडी में से आंसर होगा इसका ए, पिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि धातु में, धातु जब फाइल हमारी कटिंग कर रही है तो धातु के कण फाइल में फंस जाते हैं तो कटिंग करना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। उसको हटाने के लिए आपके पास फाइल कार्ड होता है या एक इस तरीके का टूल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉसर, ठीक है। फाइल एक होता है फाइल कार्ड, एक होता है वायर ब्रश, एक होता है सॉसर, ठीक है, इन तीन का यूज करते हैं हम फाइल को आपकी पिनिंग से बचाने के लिए, पिनिंग दोष दूर करने के लिए। अगर आपसे पूछे ना कि फाइल का एक दोष है तो पिनिंग जो है फाइल का दोष है, ध्यान रखना। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन बच्चों का गलत हुआ ना, इसका मतलब ये समझ लेना बहुत ही पढ़ने की जरूरत है उन्हें, ठीक है। अभी देखना, ये देखो, ये हमारा माइक्रोमीटर है, ठीक है, 50 से 75 रेंज है इसकी, 50 से 75, ठीक है, 50 से 75 इसकी रेंज है। तो वो पूछ रहा है इसकी जीरो रीडिंग क्या होगी, यानी कि छोटी से छोटी माप वो कौन क्या ले सकता है। छोटी से छोटी तो 50 ही ले सकता है, छोटी से छोटी 50 ले सकता है वो, ठीक है। तो इसकी जीरो रीडिंग क्या होगी बच्चों, इसकी जीरो रीडिंग होगी 50 mm, क्लियर, ठीक है, क्योंकि 50 mm वो खुला हुआ है, इससे छोटी माप नहीं ले सकता हो, 50 तो फुल खुल गया ना, वो इससे छोटी माप लेगा, इससे ज्यादा की लेगा, और ज्यादा कितनी लेगा, 75 तक, सिर्फ 75 तक ज्यादा लेगा वो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिविटिंग पर्पस, किस हथौड़े का प्रयोग रिविटिंग के लिए किया जाता है, क्या ऑप्शन नंबर ए स्लेज हैमर, ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो बताएंगे बच्चों, बॉल पिन हैमर का यूज हम करते हैं रिविटिंग पर्पस के लिए, 250 ग्राम होता है इसका वजन, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में पूछा जाता है रिविटिंग हैमर के लिए कितने ग्राम का वजन यूज करते हैं, तो 250 ग्राम करते हैं इसका, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। स्पेशली रिविटिंग हैमर ही इसका नाम है बॉल पिन हैमर का, लेकिन आप क्या करते हो पंचिंग के लिए भी इसी का यूज करते हो बॉल पिन हैमर का, ठीक है। तो मेन करते हैं यूज है पंचिंग के लिए भी बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं, लेकिन जो मेन यूज है रिविटिंग के लिए करते हैं, और रिविटिंग के लिए वजन कितना रखा जाता है 250 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, किस फाइल में एक दिशा में दांतों की कतारें होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सिंगल कट, ऑप्शन नंबर बी कर्व्ड कट, ऑप्शन नंबर सी सेकंड कट, ऑप्शन नंबर डी डबल कट। तो बच्चों देखना, एक चीज देखना, ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये हमारी फाइल है। अगर मैं इसको ऐसे कट्स बनाऊं इस पे, ठीक है, और ऐसे बनाऊं, ये हो गए डबल कट, दो डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में हुए और एक इस डायरेक्शन में हुए। अगर इसमें सिंगल, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में होते, ऐसे वैसे होते, अगर कट इसमें एक ही दिशा में होते तब ये होती सिंगल कट फाइल। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, वो क्वेश्चन में ये वही बोल रहा है कि एक ही दिशा में जो कट होते हैं वो किस फाइल में होते हैं, तो सिंगल कट फाइल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए वी ब्लॉक्स, ठीक है। तो बच्चों ये क्या पूछ रहा है, ए ग्रेड के वी ब्लॉक की धातु क्या है, ए ग्रेड वी ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए टूल स्टील, ऑप्शन नंबर बी कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी हाई क्वालिटी स्टील, ऑप्शन नंबर डी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जो वी ब्लॉक आते हैं वो ग्रेड में आते हैं, वी ब्लॉक जो आते हैं वी ब्लॉक ग्रेड में पाए जाते हैं, ठीक है, वी ब्लॉक ग्रेड में पाए जाते हैं, और ग्रेड होता है ए और बी। ए ग्रेड की जो होती है वो होती है हाई क्वालिटी स्टील, और बी ग्रेड की होती है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर की सटीकता क्या होती है, यानी कितनी शुद्धता में कौन ये मापता है, जो मेजरमेंट हमारी ट्राई स्क्वायर लेता है, ये होता है बच्चों ट्राई स्क्वायर हमारा, ठीक है। जॉब बनाते समय आप देखते भी होंगे, ये होता है हमारा ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ये पूछ रहा है कितनी शुद्धता होती है इसकी, कितनी शुद्धता में बना होता है ये, तो ये होता है 0.002 mm प्रति सेंटीमीटर या 10 mm, ठीक है, 10 mm की लेंथ में 0.002 की इसकी एक्यूरेसी होती है, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक ऑफसेट माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो बेटा मीट्रिक माइक्रोमीटर हो, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, एक्यूरेसी जो रहेगी मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की, जो एक्यूरेसी रहेगी यहां पर वो रहेगी आपकी 0.01 mm, ठीक है, चाहे वो आउटसाइड माइक्रोमीटर हो चाहे वो इनसाइड माइक्रोमीटर हो। अभी एक चीज देखना है यहाँ पे, एक चीज देखने लायक क्या होती है कि वो पूछ रहा है मीट्रिक माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर वो कहता वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर या वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करता तो एक जीरो और बढ़ जाती, तब आंसर होता 0.001 mm, ठीक है, जब वर्नियर लग जाए इसके साथ, जब इसके साथ वर्नियर लग जाए माइक्रोमीटर के साथ, तो एक जीरो और बढ़ जाएगी इसकी एक्यूरेसी में, ठीक है। और माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी सूक्ष्म मापी औजार है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चेंज, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट टू टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर। धातु के उस गुण का नाम लिखिए जो तनन प्रभाव बलों के प्रभाव के बिना टूटने का प्रतिरोध कर सके। क्या वो डक्टिलिटी यानी तन्यता होती है, टेनेसिटी यानी मतलब तनंता होती है, या इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रत्यास्थता होती है, या मेलेबिलिटी मतलब क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, मेलेबिलिटी का यार बताऊंगा अभी रिकॉल करके क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी मतलब आघात प्रदेता, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इसको बल लगाया, जितना बल लगाने पे वो उसको रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये होती है टेनेसिटी यानी कि सॉरी डक्टिलिटी यानी तन्यता, टेनेसिटी मतलब तनंता, तनंता मतलब जितना फोर्स वो सहन कर सकता है टूटे बिना। जैसे देखो ये आपका कोई ब्लॉक है, इस पे हमारी बॉल रखी है, यहां से मैंने प्रेस लगाई, प्रेस मतलब यहां से फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, ये बॉल टूटे बिना जितना लोड सहन कर सकती है वो उसकी क्या होती है, टेनेसिटी होती है, यानी कि उसकी क्षमता होती है कितना प्रतिरोध वो सहन कर सकती है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा टेनेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश सरफेस। मार्क कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन सतह की तैयार को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, यानी कि अगर कोई जॉब है हमारी उस पर हम कौन सी मार्किंग मीडिया लगाएंगे ताकि हमें निशाने क्लियर दिखे, जो हम लाइंस ड्रॉ करें वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखे, तो ठीक है। तो पर्शियन ब्लू इज द राइट आंसर, साफ चमक, पूरी साफ चमकती है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो पर्शियन ब्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली दीवार वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजीली व्हाइल सॉइंग द थिन वर्ल्ड वर्कपीस एट द स्टार्ट ऑफ द कट। पतली दीवार वाले वर्कपीस की साइंग करते समय कट शुरू करते ही टूट जाता है, क्यों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इसका, ये क्या कह रहा है कि हम कटिंग करनी है, पतला पाइप है हमारा, ठीक है, पतली दीवार है कोई, कटिंग करनी है हमें, कटिंग जब करेंगे इस पाइप की मुझे कटिंग करनी है, मैं फोर्स लगाऊंगा, ब्लेड मेरा एकदम टूट गया, वो कह रहा है क्यों टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, हैंड फोर्स इज टू बिग, मैंने स्ट्रोक लगाया ज्यादा, फोर्स मेरा ज्यादा था, क्या ये इसलिए टूटा। ऑप्शन नंबर डी, कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, यानी कि मैंने कट मारा हल्का सा चला और टूट गया, पूरा पूरा स्ट्रोक नहीं ले गया मैं। ऑप्शन नंबर सी, कोर्स ब्लेड इज यूज, पतला पतली पिच का ब्लेड यूज करना था मुझे, मैंने मोटा यूज कर दिया इसलिए टूट गया। या ऑप्शन नंबर डी, हैंड फोर्स एक्ट अपॉन द फ्लू टीथ, या जो हमारा मटेरियल था, पाइप था हमारा, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लेड के सिर्फ एक दो, एक या दो ही दांते इस पे टिके हैं, इसलिए वो टूट गया। तो आंसर है इसका डी, हैंड फोर्स इज एक्ट अपॉन अ फ्लू टीथ, यानी कि देखो जब मैं कटिंग कर रहा हूं तो सिर्फ एक या दो ही दांते, अगर पतला है ना ये, तो सिर्फ एक या दो दांते टिके होंगे, और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो दांत तेज होगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा वो एक ही दांत पे लोड पड़ेगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर पतला पाइप हो तो फाइन पिच ब्लेड का यूज करना चाहिए, फाइन पिच ब्लेड मतलब दांते पास पास है, दांते पास पास है, यानी कि आपके दे एक नहीं तीन से चार दांते टिकेंगे तो और आपकी कटिंग क्रिया आसान होगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कह रहा है कि व्हाट आर द थ्री फैक्टर केस फायर, आग लगने के तीन कारण कौन से हैं, क्या वो फ्यूल हीट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर डी फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और हीट है। तो आंसर है इसका ए, फ्यूल हीट और ऑक्सीजन, फ्यूल हीट और ऑक्सीजन इसका सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच फंड इज यूज फॉर
विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रोट आयरन? रोट आयरन को बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वाते भट्टी, ऑप्शन नंबर बी क्यूपोला फर्नेस, ठीक है यानी कि क्यूपोला भट्टी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस यानी कि पुडलिंग भट्टी, यार ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। तो आंसर है इसका बेटा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस में हम किसका यूज करते हैं? रोट आयरन बनाने के लिए यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विद वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनविल, फ्रेम, थिंबल, बैरल। बताओ बेटा किस पे होती है वर्नियर माइक्रोमीटर की वर्नियर जो डिवीजन होती है किस पे होती है? तो देखिएगा बच्चों, ये हमारा एक वर्नियर, ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, ठीक, ठीक है, सेम है। देखो हमारी डेटम लाइन का होती है बैरल पे होती है, ठीक है, बैरल के साथ ही हमारी क्या होती है वर्नियर स्केल होती है, ठीक है, बैरल पे जो डेटम लाइन के अक्रॉस में ही हमारी क्या होती है वर्नियर स्केल होती है ये वाली, और यहां पे क्या होते हैं थिंबल डिवीजन, ठीक है, ये होता है हमारा थिंबल बैरल, ठीक है, बैरल का दूसरा नाम क्या होता है स्लीव याब, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा इसका, बैरल डी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच स्क्रैपर इज यूज्ड टू स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डीबरिंग द एज ऑफ द होल, यानी कि छोटे व्यास के छेदों और छेदों की डीबरिंग किनारों को कुरसने के लिए किस स्क्रैपर का यूज किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनोज स्क्रैपर? बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हुक स्क्रैपर, ठीक है, हुक स्क्रैपर इसका आंसर होगा, ठीक है। डीबरिंग करनी है हमें, एजिस की डीबरिंग करनी है, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है वो कि छोटे छोटे व्यास है, ये छोटा होल है, देख लो बच्चों इधर ध्यान दो, ये छोटा होल है, इसके अंदर से हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे खुरच के निकालना है, तो किससे निकालेंगे हम, हुक स्क्रैपर का यूज करके निकालेंगे हम, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर इसका यूज, एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट स्क्रैपर का यूज क्या करते हैं, जो सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट जब हम बनाते हैं उसकी शुद्धता स्क्रैप, ये अपनी हाई स्पॉट्स को दूर करने के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का यूज करते हैं। हुक स्क्रैपर का यूज अभी आपको बताया छोटे होल की डीबरिंग के लिए। ट्रायंगुलर स्क्रैपर जो होता है वो हमारा यूज होता है आपका बेरिंग होता है ना, बेरिंग को आपकी स्पॉटिंग के लिए बेरिंग यूज किया जाता है, और बुलनोज स्क्रैपर यूज किया जाता है जहां बड़े बेरिंग यूज होते हैं उसको स्क्रैपिंग के लिए बुलनोज स्क्रैपर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पॉट व्हाइल स्क्रैपिंग? अब इसने क्या बोला है कि स्क्रैपिंग करने के लिए जब हम स्क्रैपिंग करनी है तो किन हाई स्पॉट्स की स्क्रैपिंग करनी है उसका पता कैसे लगाते हैं? जैसे कि ये हमारी सरफेस है, ये हमारी कोई सरफेस है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमें स्क्रैपिंग करनी है तो मुझे कैसे पता, कैसे पता कि यहां से मेरे को मटेरियल निकालना है, किस इस पार्ट से मुझे निकालना है, ये कैसे बताएंगे? जब हम उसमें मार्किंग मीडिया लगाएंगे, मार्किंग मीडिया मतलब जो आपको बताएगी कि लाइनें कहां खींच रही हैं, ठीक है, थीके? तो लाइनें सबसे ज्यादा स्पष्ट लाइनें किस पे दिखाई दी थी, पर्शियन ब्लू पे, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे हम क्या करेंगे पर्शियन ब्लू लगा देंगे, ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में पर्शियन ब्लू लगा देंगे, फिर इनके बीच गैप चेक करेंगे, ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ा गलत बोल गया, इस पे क्या बोलते हैं फीमेल पार्ट पे हम पर्शियन ब्लू लगाते हैं और मेल पार्ट को उसके अंदर घुसाते हैं। अगर स्पॉट्स पर्शियन ब्लू पूरे पूरे मेल पार्ट पे एक जैसा फैल गया तो इसका मतलब है कि हमारी सरफेस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर जहां पे छूट जाता है, कहीं पे छूट जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां से हमें स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, आंसर है इसका पर्शियन ब्लू 29, ठीक है। अब देखिएगा
एक इंच, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा, एक एमएम में कितने इंचेस होते हैं, एक एमएम में कितने इंचेस होते हैं, तो बेटा एक एमएम में होते हैं 0.03937 39.37 इतने इंचेस होते हैं हमारे एक एमएम में। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 बेटा एक न्यूमेरिकल था, फाइंड द कटिंग स्पीड फॉर द ड्रिलिंग अ 12 एमएम ड्रिल होल माइल्ड स्टील प्लेट व्हेन द ड्रिल इज रोटेटिंग एट 350 आरपीएम। माइल्ड स्टील की प्लेट में 12 एमएम का ड्रिल होल करने के लिए कर्तन गति ज्ञात कीजिए जबकि ड्रिल 350 आरपीएम पर घूम रहा है, तो ठीक है इस केस का आंसर क्या होगा बच्चों? देखो इसका आंसर अभी बताता हूं मैं आपको, एक जो फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड का सी एस होता है पाई डी एन अपॉन 1000। 29 का सी था क्या? दो क्वेश्चन प्रिंट है, एक मिनट दे चेक कर लेते हैं, देखिएगा पहले वाले का पर्शियन ब्लू था 29 का, दूसरे वाले का था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बेटा, इसमें 30 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 वो पूछ रहा है हमारी, क्या बोल रहा है कि माइल्ड स्टील के प्लेट में 12 एमएम का ड्रिल है, यानी कि डी बराबर जो हो गया 12 एमएम हो गया हमारा, कटिंग स्पीड याद करनी है सी एस, कटिंग स्पीड हमारी फाइंड आउट करनी है हमें, जबकि ड्रिल के जो आरपीएम है एन बराबर 350 है, ठीक है तो एक कटिंग स्पीड का फॉर्मूला चलता है सी एस बराबर कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन अपॉन 1000, ठीक है। अगर हमारा ड्रिल का होल आपको एमएम में दे रखा है तब हम अपॉन में 1000 रखेंगे, ठीक है। अगर हमारा इंचेस में दे रखा है ड्रिल होल तब हम अपॉन में रखेंगे पाई डी एन अपॉन 12, ठीक है। यह बात ध्यान रखना जब भी कटिंग स्पीड आप निकालें अगर आपका इंचेस में दे रखा है तो आप नीचे 12 रखेंगे, अगर आपका एमएम में दे रखा है तो आप नीचे 1000 रखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। एक कटिंग स्पीड से एक क्वेश्चन आता है, कटिंग स्पीड की जो बताओ यूनिट बताओ क्या होती है, तो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है एमएम पर मिनट, ठीक है एमएम पर मिनट। क्लियर, ठीक है। अगर वो आपसे आरपीएम पूछ रहा है तो उसके लिए होगी एमएम पर रेवोल्यूशन, फीड की होगी एमएम प्रति रेवोल्यूशन, ठीक है। कितने एक चक्कर में कितनी आगे बढ़ी टूल, वो फीड की होगी, यूनिट होगी एमएम प्रति रेवोल्यूशन। अगर कटिंग स्पीड पूछा है तो होती है एमएम प्रति मिनट। क्लियर, ठीक है। तो पाई डी एन, पाई में रखेंगे 22/7 गुना डी कितना था हमारा 12 गुना एन 350/1000, 7 से काटेंगे इसको, 7×5=50, ठीक है 7×5=35 और 0 50 आ गया, ठीक 50 से इसको काटेंगे 50×2=100, ठीक फिर इसको काटेंगे हम 2 से काटेंगे 6×2=12 और 10 ये कट जाएगा यहां पे, फिर आप 2 से काटेंगे और 5 आएगा तो ये बचेगा आपका 66/5 यानी कि 13.2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सी होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, चलो बेटा पार्ट बी पे आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन पार्ट बी क्या कह रहा है कि पार्ट बी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इन विच ओरिएंटेशन टेक्स्ट प्रिंट इन लेंथ, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई को प्रिंट किया जाता है, यानी कि लंबाई में हम प्रिंट करने हैं। देखो एक चीज हमारी होती है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड में हम क्या करते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है लेंथ के अकॉर्डिंग पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करते हैं, और लैंडस्केप मोड में हम क्या करते हैं विड्थ के अकॉर्डिंग,
चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां बात करी है उसने लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग जब बात करी है तो पोर्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन गिव द बर्थ ऑफ, आमने सामने की बातचीत जन्म देती है साइलेंस को, स्पीकर को, लिसनर को या कम्युनिकेशन को। तो ठीक है, जो आमने सामने बैठ के हम बातचीत करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन को जन्म देती है, बातचीत होती है तो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, एन ऑब्जेक्ट इन एंड टेक्स्ट इन द वेब पेज इज कनेक्टेड टू अनदर वेब पेज, एक वेब पेज में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट सॉरी एक वेब पेज में एक ऑब्जेक्ट तथा टेक्स्ट दूसरे वेब पेज से किस द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि क्या बोल रहा है कि यह हमारा पेज है, यह हमारा पेज है, किसी दूसरे पेज से हम इसको कनेक्ट करना है, हम क्या करेंगे इसको, एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक, इसको हाइपरलिंक कर देंगे, लिंक कर देंगे उसको, ठीक है, लिंक कर देंगे उसको तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ जाएगा। वो क्लियर है इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब ये देखेगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, इंटरनेट इज ए, इंटरनेट है एक वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका वर्बल रिटन कम्युनिकेशन है हमारा, सॉरी इसका बेटा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक ठीक है, और इसका है वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, हाइपरलिंक और वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, चलेगा नेक्स्ट। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज विच वन इज नॉट इंक्लूड इन सी एस में कौन सा शामिल नहीं है, नैनिक कम्युनिकेशन के जो 7 फैक्टर होते हैं उनमें कौन सा एक शामिल नहीं है। तो बेटा कंप्यूटर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, कंसीडरेशन, क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी सब जो है 7 सी एस के पार्ट है, क्लियर, कंप्यूटर नहीं है। चलोगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फॉर इंटरव्यू वी शुड, साक्षात्कार के लिए हमें होना चाहिए। बेटा जिसने भी हमारी ऑनलाइन वीडियो देखी है उसमें आपका ये सारा सब चीजें थी, आपको सब चीजें पढ़ा रखी हैं यहां पर, ये जितने भी कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन है, इंप्लीमेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं, सब पढ़ा दिया जा चुका है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए हमें होना चाहिए, हमें चाहिए, बात नहीं करेंगे बच्चों, क्या नए कपड़े पहनने चाहिए, टू वियर न्यू क्लॉथ। ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस विद फ्रेंड, यानी कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और दोस्तों के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, टू मच स्टडी, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए हमें। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बताएं बच्चों क्या होगा इसका, इसका जो एक्यूरेट आंसर है इसका बी है एक्यूरेट आंसर, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, ये बैंक है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड है या एक कमेटी है। तो बच्चों नाबार्ड जो है, नाबार्ड है एक बैंक, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, सिडबी की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, देखेंगे बच्चों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रीट इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड, कीबोर्ड के जिस बटन पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज बोलते हैं इसको, ठीक है। एरो जो, ये जो एरो बने होते हैं हमारे, ये वाले, ये वाले जो एरो बने होते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं नेविगेशन की, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आपका, फुल क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
ठीक है बच्चों, चलिए देखेगा क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 की फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी, डीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ड्यूल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसका जो होता है हमारा डीआईसी की फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी कि आपके जिले का जो एक केंद्र होता है इस इंडस्ट्रीज का, वो है इसका फुल फॉर्म डीआईसी। डीआईसी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हमसे द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 800 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल। एक वर्ग का परिमाप 800 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे बेटे, ये हमारा है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा है वर्ग। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका परिमाप यानी कि यह पूरा 4a जो है 800 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4a 800 सेंटीमीटर है, तो यानी कि a कितना हो गया हमारा, a हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर। चार से इसको काट देंगे 200 आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, a 200 आ गया। अब डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल जो होता है वो हमारा होता है a अंडर रूट 2। ठीक है, a अंडर रूट 2 होता है इसका डायगोनल, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1.414। ठीक है, यानी कि 200 गुणा 1.414, ये तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 282.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल रिगेन्स द इट्स फॉर्मर स्टेट आफ्टर द फोर्सेस इज रिमूव्ड। बल हटा लेने के बाद निम्न में से कौन सा गुण, निम्न में से किस गुण के कारण धातु अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेती है? ठीक है, तो यानी कि खींच रहे हैं उसे, ठीक है, बल लगा रहे हैं कि खींच रहे हैं, बल हटा दिया, वापस उसी फॉर्म में आ गई, तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे बेटा 12, टू प्रोडक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन द गैल्वेनाइजिंग अप्लाइड ऑन इट्स इट जनरली ऑफ द फॉलोइंग मेटल। छेद से बचाने के लिए उसके ऊपर लगाई जाने वाली कलाई सामान्यतः किस धातु की होती है? क्या टिन की होती है, लेड की होती है, जिंक की होती है, कॉपर की होती है? तो आंसर है इसका जिंक। जिंक की परत लगाते हैं उसको कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ठीक है, जिंक का यूज करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील इज, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? 0.5 से 1.5। ठीक है, वैसे बच्चों ये होती है हमारी 0.75 से 1.5% तक, बट ऑप्शन अकॉर्डिंग मिला के आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक है, 0.5 से 1.5, क्लियर, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर एक मिश्र धातु है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? लेड और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर। ठीक है, 63% लेड होता है और 37% जो होता है हमारा वो होता है टिन, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसका 104। देखिए 9/5 C इक्वल्स टू F माइनस 32, ये होता है इसका फॉर्मूला। 9/5 C की जगह रख देंगे 40, F माइनस 32। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 अट्टे 40, 8 निम 72, इसको इधर ले आएंगे प्लस 32 बराबर F, यानी कि 72 और 32 104। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 16 नंबर देखेंगे, रिटन कम्युनिकेशन मेक अस ऑफ, लिखित संचार का उपयोग करता है लेटर, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच या कंप्यूटर। तो ठीक है, तो हमें जब भी रिटन देना होता है, रिटन, रिटन में हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, तो क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना बेटा, इसमें
Which of the following tool is used to draw horizontal lines? निम्नलिखित में किस उपकरण का यूज हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचने के लिए किया जाता है? तो बेटा ऑफलाइन क्लास मैंने ली थी आपकी, उसमें बताया था जो हमारा टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर होता है वो इबोनी एज पे ऐसे चलता है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ये इसकी इबोनी एज है। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ चलता है हमारा टी स्क्वायर, और ये लाइनें जो खींचेगा इस पे, स्लाइड नीचे करेंगे, ऐसे स्लाइड करता जाएगा, तो ये कौन सी लाइनें खींचेगा? हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचेगा, यानी कि क्षैतिज लाइनें खींचता है, ठीक है। अगर इसी के साथ मिलके हम आपका सेट स्क्वायर लगा देंगे, तो सेट स्क्वायर कौन सी लाइनें खींचेगा? वर्टिकल लाइनें खींचेगा सेट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर है बेटे आपका टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि हमें जो है सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए सबसे डिवाइडर का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, डिवाइडर का यूज करते हैं सबसे ज्यादा सर्कल बनाने के लिए। अब वो पूछ रहा है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार A3 शीट का साइज कितना होता है, ठीक है, 18 नंबर, ठीक है। वो पूछ रहा है कि A3 शीट का साइज कितना होता है, तो 841 × 594 A3 साइज, और इसी साइज को हम क्या बोलते हैं? इंपीरियल साइज, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि यूजिंग 30-60-90 एंड 45-45-90 सेट स्क्वायर, बीच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, यानी 30-60-90 और 90-45-90 के सेट स्क्वायर का उपयोग करके कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता? क्या वो 45 का है, क्या वो 30 का है, क्या वो 165 का है, क्या 90 का है? तो बेटा जो हम यूज करते हैं सबसे छोटा कोण जो हम सेट स्क्वायर से नापते हैं, वो नापते हैं हमारा 15 डिग्री का, ठीक है, 15 डिग्री का। और कहां तक नापेंगे? 15 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हम इससे कोण नाप सकते हैं, लेकिन कौन सा कोण नहीं नाप सकते? आप बोलोगे सर ये तो सब 15 के बीच में आ रहे हैं, इससे हम जो है 165 डिग्री का कोण नहीं नाप सकते, बाकी सब कोण इससे नाप सकते हैं। यानी कि 15 की टेबल में 180 तक जितने आते हैं, 15 के 15, 15 29, 15 45, 15 दशम 150, ठीक है, और 150 के बाद 165 वाला कोण नहीं नापेंगे इससे, ठीक है, बाकी सब कोण इससे नापते हैं, क्लियर बच्चों? तो ठीक है, आई होप सभी ने एक दूसरे की सीट चेक कर लिए होंगे, सबको पता लग गए होंगे आपके सेशनल में कितने मार्क्स आए होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका सेशनल एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं आपसे। ओके, कह रहे कि 17 का आंसर बता दो, तो बच्चों 17 का जो आंसर है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है बेटा, इसका टी स्क्वायर है आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए कल मिलते हैं। अरे बच्चों रुको यार, बैठो बैठो बैठो।